तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम एडवांस एक्सेल का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, डेटा सिलेक्शन। डेटा सिलेक्शन क्या होता है? सबसे पहले हमने आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि हम एक्सेल का यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, और डेटा से बनी हुई रिपोर्ट या डेटा को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के साथ शेयर करने के लिए। ओके, प्रॉब्लम होती है कि अगर हम एक्सेल में कुछ भी करते हैं तो हमें सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपके सामने डेटा है, अब मुझे कॉपी करना है, इसको फिल्टर करना है, या इस पे किसी भी तरह का इवेंट करना है, तो नीड टू डेटा सिलेक्शन। क्योंकि जब तक इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम किसी तरह की फॉर्मेटिंग या किसी तरह के फीचर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। अब बोलो, डेटा सिलेक्शन में क्या है कि आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और माउस पॉइंटर रखते हुए नीचे की तरफ आ जाइए। क्या देखिए, जब हम बात करते हैं लाखों की डेटा की, जब एक एक्सेल सीट में कई हजार और कई लाख का डेटा होगा, तो उस समय माउस पॉइंटर काम नहीं आएगा। राइट? तो उस समय जो है हम कुछ शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस पॉइंटर से ही सिलेक्ट कर आते हैं, तो क्यों ना आप स्टार्टिंग में सिलेक्ट करें और सबसे लास्ट में जाएं, शिफ्ट को होल्ड रखें और इस पे क्लिक कर दें। स्टार्टिंग में जाएं, शिफ्ट को होल्ड रखें और क्लिक कर दें। तो मतलब कि आपने एक जगह पे क्लिक किया और शिफ्ट को रखते हुए अगर अनदर जगह पे क्लिक करते हो, तो वहां से लेके स्टार्टिंग से जहां क्लिक करते हो वहां का एरिया सिलेक्ट होते जाएगा। तो माउस क्लिकिंग में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि अगर माउस सिलेक्शन ना हो तो कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड सिलेक्शन अगर मैनुअल की बात करें तो आप अपने कीबोर्ड के शिफ्ट को प्रेस करें और एरो की से जा सकते हैं, डाउन के लिए डाउन, अप के लिए अप, सिलेक्शन होगा। लेकिन शिफ्ट को होल्ड रखिएगा, ठीक है, शिफ्ट को होल्ड रखिए और इस तरह से जा सकते हैं। इस तरह से भी करने में तो मैनुअली है तो काफी टाइम लगेगा, तो इसका तरीका क्या है? तो तरीका है कंट्रोल ए। जी हाँ, कंट्रोल प्लस ए को प्रेस कीजिए। एक करेंट रीजन, मतलब कि ये क्या करता है कि आपके होम मेनू बार के अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट कैटेगरी के अंदर गो टू स्पेशल आता है। इस गो टू स्पेशल सब कैटेगरी के अंदर एक ऑप्शन होता है, वो होता है करेंट रीजन। इस करेंट रीजन को ट्रिगर करता है, ये आपका डेटा सिलेक्ट कर देता है। तो जनरली इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए को प्रेस करते हैं। बट ए में छोटी सी दिक्कत भी होती है। क्या दिक्कत होती है, चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए आपके पास इस डेटा में पूरी की पूरी रो ब्लैंक है। इस डेटा को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपकी ब्लैंक के ऊपर का एरिया ही सिलेक्ट होता है, नीचे का एरिया नहीं। विष्णु जी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन पूरी की पूरी ब्लैंक है, अगर बीच में कहीं पे कुछ लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब पूरा सिलेक्ट कर लेगा। उसी तरह से अगर आपका कोई कॉलम, पूरी कॉलम अगर ब्लैंक है तो आपका उस कॉलम से पहले का डेटा सिलेक्ट करेगा, बात करें। और यहां भी अगर किसी भी रो में अगर लिखा हुआ है, कुछ भी टाइप किया हुआ है, तो पूरी डेटा को सिलेक्ट करेगा। प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी, कभी कभी डेटा में आपके साथ कुछ फालतू डेटा भी होते हैं, जैसे यहां पे हमने दे दिया हुआ है। अब मैं यहां पे कंट्रोल ए करता हूं तो पूरा का पूरा
कि इस जो फालतू डेटा है उसको भी सिलेक्ट कर लेता है, क्योंकि कंट्रोल है करंट रीजन, मतलब कि कंटिन्यूअस यूज्ड सेल को इसका सलूशन क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम बात करेंगे कर्सर को कैसे मूव करें। जैसे मान लीजिए डेटा कई बार रिपीटेड है, मान लीजिए कई बार रिपीटेड है, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से डेटा है हमारा, तो मुझे सबसे नीचे जाना है, तो एक तो आप इस तरह से आ सकते हो कर्सर, या स्क्रॉल करके आ सकते हो ना नीचे स्क्रॉल करके। लेकिन जब बड़ा डेटा होगा, लाखों का डेटा होगा, तो स्क्रॉल करने में और इस तरह से आने में या पेज डाउन पेज अप आने में भी टाइम लगेगा आपको ना। या अगर पेज डाउन करते हैं, आपके कीबोर्ड में पेज डाउन का बटन है, प्रेस करते हैं तो एक पेज नीचे आते हैं 31 रो, काफी टाइम लगेगा। इसका सलूशन है कि आप कंट्रोल कीबोर्ड के कंट्रोल की को प्रेस करें और डाउन को यूज करें, डाउन एरो की को सबसे लास्ट में आ जाएंगे। लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में, अप में करेंगे अप में, राइट में करेंगे राइट में, इस तरह से। तो लास्ट में क्या होता है, एक सीक्वेंस को ब्रेक करता है। जैसे कि यहां से अगर मैं क्लिक करूंगा तो सबसे लास्ट सीट के सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि पूरा ब्लैंक का सीरीज है इस तरह से। जब यहां पे क्लिक करूंगा तो सबसे ऊपर आ जाएगा जहां पे उसको फिल मिला। अगर डेटा ब्लैंक हुआ आपका, जैसे कि मान लीजिए यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, तो अब यहाँ पे क्लिक करने से सबसे लास्ट में नहीं जाएगा। कैसे जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर कर्सर रखते हैं और कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज करते हैं तो यहाँ पे आएगा। तो ऐसे अगर बहुत ब्लैंक है फिर भी दिक्कत है क्या? इस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो कर्सर मूव की बात हो गई, अब बात करते हैं सिलेक्ट कैसे करें। हम सिलेक्ट कैसे करें, सिलेक्ट करने के लिए आपको यहां जैसे सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कंट्रोल शिफ्ट करेंगे तो कर्सर मूव करेगा, और कंट्रोल शिफ्ट करेंगे ऐसे एरो की यूज करेंगे तो क्या होगा, पूरा सिलेक्शन लेके जाएगा, पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके। अब मुझे सबसे लास्ट में जाना है डेटा के सबसे लास्ट में, तो एंड का यूज करेंगे। जैसे एंड एंड क्लिक किया तो यहाँ पे एंड मोड आ गया, ठीक है। एंड आपके कीबोर्ड की बात कर रहा हूं, कीबोर्ड में आपके सामने एंड होता है। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा चला गया सर, एंटर प्रेस किया लिया और कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो क्या होगा, कुछ शिफ्ट एंटर सिलेक्शन हुआ, कंट्रोल एंटर कुछ नहीं होता है। एंटर प्रेस करते हैं सबसे स्टार्टिंग में आ जाता है रो का, और जैसे होम प्रेस करूंगा तो होम पे आ जाएगा। तो कंट्रोल कौन सा एंड बोल रहे होते आप? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अपने कीबोर्ड का अगर एंड प्रेस करते, सिर्फ एंड प्रेस करते हैं तो सब लास्ट में उस एंड प्रेस करने के बाद यह एंड मोड हो जाता है, होगा ना एंड मोड। अब मैं एंड प्रेस करूंगा तो इस रो में सबसे लास्ट यूज्ड सेल पे यूज्ड कॉलम तक पहुंच जाएगा। देखिए एंटर मारते यहाँ आ गया ना, क्योंकि लास्ट यूज्ड है ना। हाँ जी हाँ जी, समझे। हाँ हाँ, कंट्रोल एंटर मारू, कंट्रोल एंड करूं, कंट्रोल एंड, तो सबसे लास्ट यूज यहाँ डेटा पे आ जाएगा सबसे लास्ट में। ओके, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड करता हूं तो पूरा ओवरऑल डेटा सिलेक्ट हो जाता है कंट्रोल ए की तरह। मगर इसमें भी वही दिक्कत है ना, जो जरूरत नहीं है जो सेल्स में जो वैल्यूज है इधर वो भी सिलेक्ट होएगा, राइट। उसके लिए बताया ना आपको कंट्रोल शिफ्ट इस तरह से, बट वो है कि हर चीज परफेक्ट नहीं होता ना सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आपका एक तरीका और है कि आप यहाँ पे ऊपर नेम बॉक्स दिख रहा है ना, नेम बॉक्स में लिखे ए 65,000 या 10,00,000 या 5,00,000, एक लिमिट डाल दे जिसमें जो डेटा उससे ज्यादा डेटा न हो आपकी, एंटर सबसे लास्ट में पहुंच गए। पहुंच गए सर। यहां से कंट्रोल के साथ
आप यूज कीजिए तो सबसे लास्ट पे पहुंच गए, लास्ट पे पहुंच गए और फिर यहां से स्क्रॉल लेके ऊपर चले जाइए और शिफ्ट के साथ क्लिक कर दीजिए, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके बात आती है मल्टी सेल सिलेक्शन, मतलब कि हम अगर मान लीजिए क्लिक करते ले जाते हैं तो पूरा सीक्वेंस सिलेक्ट होता है ना, हम मुझे T4 को सिलेक्ट करना है, C4 को सिलेक्ट करना है, C6 को सिलेक्ट करना है, हाईलाइट करना है इसको, मान लीजिए इसको क्लिक करते हुए इसको सिलेक्ट करके कलर अप्लाई करते तो पूरा हो जाता है ना, पर्टिकुलर कुछ कुछ सेल को चाहिए तो इसे क्लिक करते हुए कंट्रोल प्रेस कीजिए, अपने कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कीजिए और जहां क्लिक करेंगे माने कंट्रोल प्रेस रखते हुए जहां भी क्लिक करेंगे वो एरिया सिलेक्शन में आ जाएगा। अब मैं यहां पे कलर अप्लाई करूंगा तो उतना ही एरिया कलर होगा, चाहे बॉर्डर है तो सर। ठीक है सर, ठीक है। अब इसमें आती है कि आप अगर कहीं भी इस तरह से कहीं भी क्लिक करके आप डेटा को कॉपी करना है तो कंटिन्यू, जैसे ए को किया, डी को किया, सेम रो में मैं कर रहा हूं तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूं, या सेम कॉलम में कर रहा हूं तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूं। ओके लेकिन मुझे दो कॉलम में करना है तो जैसे मैं ए और सी को किया और नीचे अगर इसको किया तो यहां भी सी सिलेक्ट होना चाहिए, अब मैं इसको कॉपी करूं कॉपी नहीं होगा, कॉपी नहीं हो रहा क्योंकि वन मैंने ए और सी सिलेक्ट है लेकिन यहां सिक्स नंबर रो में सिर्फ सिक्स सिलेक्ट है, सी का सिलेक्ट ही नहीं है। तो मैं सिक्स को सिलेक्ट करके कॉपी करूं तब यहां कॉपी होगा, अदरवाइज कॉपी नहीं होगा। तो जितना रो कॉलम आपने ऊपर सिलेक्ट कर रखा है सेम रो कॉलम आप नीचे भी सिलेक्ट करते हैं देन आप मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम को कॉपी कर सकते हैं। और दूसरा चीज है कि अगर आपने अलग अलग सेल्स में कॉपी सिलेक्ट किया हुआ है कॉपी किया लेकिन जब आप पेस्ट करेंगे तो वहां कंटिन्यूअस ही होता है। ठीक है, ओके। तो मल्टी सेल सिलेक्ट करने आ गया आप लोगों को, कोई डाउट इसमें? हाँ जी, आपको कोई डाउट सर? अखिलेश जी मुझे मान लीजिए सीट वन पे डेट और टाइम लिखना है तो मैंने यहाँ पे डेट यहाँ पे कर्सर रखा और हमने यहाँ पे डेट लिखा और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया या फिर आज का डेट मान लीजिए लिख दिया, जैसे आज क्या है 8 फरवरी है तो हमने यहाँ पे 8 लिखा, 2/8 आ गया। फिर मैं टाइम यहाँ पे टाइम लिखा और यहाँ पे भी हम टाइम अभी मान लीजिए 8:26 है, 8:26 हमने लिख दिया। मुझे कॉपी करके हर एक सीट पे जाना है, इसको रखना है एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे तभी तो जो चार सीट है, अगर 40 हुआ 400 हुआ काफी टाइम लगेगा ना। पहले सीट पर चेक करें और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले सीट पर क्लिक करें और इसको पेस्ट करें, समझे? यहां एक साथ कई सारे सीट सिलेक्ट है देखिए, हर सीट पे हमने कॉपी पेस्ट हो गया। दोबारा बताता हूं, अगर आपको करना ही है मतलब कॉपी में टाइप करना पहले पता चल गया है सब सारे से मुझे कुछ लिखना है तो आप शिफ्ट को प्रेस करें, पहले लास्ट वाले सीट पे क्लिक कर दें। अब मैं कुछ भी करूंगा हर एक सीट पे होगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया नेम पूजा, अब देखेंगे कि सीट 2 पे भी है, सीट 3 पे भी है, सीट 4 पे भी है, सीट 5 पे, बट सेम लोकेशन। ओके, तो ये फॉर्मूलास ये सब ये मींस ऐसे अप्लाई भी हो सकता है सेम? जी हाँ, वो आगे बताऊंगा आपको। ठीक है,
बता दें कि मुझे हर एक सीट पे नहीं करनी, कुछ सिलेक्टेड सीट पे करना है। तो आप शिफ्ट के साथ जो क्लिक करते हैं ना, शिफ्ट के साथ क्लिक मत करें, आप कंट्रोल यूज करें, कंट्रोल टैब की, और जहां जहां क्लिक करेंगे वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो सीट वन, सीट थ्री एंड सीट फाइव पे होगा। यहाँ पे सिटी लिखा और यहाँ पे हमने लिख दिया मैं क्लियर है। और सर हाँ जी कोई डाउट है आपको इसमें? नहीं नहीं ये था हमारा सिलेक्शन मेथड। इसकी आप प्रैक्टिस करें ओके और अगली क्लास में हम आपके साथ सिलेक्शन के आगे बाद हम फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। जी सर। सर एक सवाल पूछो, अगर शीट वन में सेम डेटा है ठीक है, और मुझे ऐसे अगर 20 शीट्स और बनाने हैं तो क्या मैन्युअली बनाने पड़ेगी कि शीट वन की कॉपी ऑटोमेटिकली 20 शीट हो सकती है? ऑटोमेटिक कर सकते हैं कॉपी, आप करें कंट्रोल प्रेस करें ओके और इसको होल्ड यदि ड्रैग करें, क्लिक करते हुए ड्रैग करें, आ गया शीट ओके कॉपी हो गया ना सर? जी सर ओके शीट कॉपी हो गया जी। यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी वगैरह भी होता है उसको कर सकते हैं, मूव एंड कॉपी, यहाँ पे मूव एंड कॉपी होगा ओके ठीक है जी सर। ओके डाउट? नो सर जी। आपको कोई डाउट? हाँ नहीं अभी तक फिलहाल तो नहीं है।